आज हम आप लोग को माइक्रोस्पोरोजेंसिस और माइक्रोगैमेटोजेंसिस के बारे में बताएंगे। छोटा टॉपिक है लेकिन अच्छा टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेंसिस पे, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेंसिस क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेंसिस वह प्रोसेस है जिसमें माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर, ठीक है, तो इसको इस तरह देख सकते हैं, माइक्रोस्पोरोजेंसिस वह प्रोसेस है जिसमें क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर बनेंगे कहां से? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। और माइक्रोस्पोर मदर सेल कहां पाई जाएगी? एंथर के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल ये होती है डिप्लॉयड, ठीक है, टू एन जिसको कहते हैं। इसमें फिर होगा क्या? मियासिस डिवीजन। क्या होगा? मियासिस डिवीजन। और मियासिस डिवीजन के फलस्वरूप, ठीक है, ये जो है ये क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, जो कहां पाई जाएगी? एंथर के अंदर। इसमें मियासिस होगा और मियासिस के फलस्वरूप चार माइक्रोस्पोर बनेंगे, एक दो तीन चार, ये बन गए चार माइक्रोस्पोर। ये कैसे हैप्लॉयड? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना किस प्रोसेस के द्वारा? मियासिस के द्वारा। क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेंसिस। माइक्रोस्पोरोजेंसिस की क्रिया कहां होती है? एंथर में। और एंथर में कहां होगी? एंथर में कहां होगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल में, ठीक है। तो ये डिप्लॉयड होती है और मियासिस के फलस्वरूप चार माइक्रोस्पोर बनते हैं। जनरली सभी प्लांट में क्या होता है? चार माइक्रोस्पोर बनते हैं, लेकिन एक फैमिली है साइप्रेसी, ठीक है, वहां क्या होता है? साइप्रेसी में क्या होगा? वहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है डिप्लॉयड होती है, वहां पे मियासिस होगा। मियासिस के फलस्वरूप वहां सिर्फ एक फंक्शनल माइक्रोस्पोर बनता है। कितने फंक्शनल माइक्रोस्पोर बनते हैं? एक, सिर्फ एक फंक्शनल माइक्रोस्पोर बनता है। ये किस फैमिली में हो रहा है? साइप्रेसी फैमिली में, ठीक है। तो पूछा जाता है कि किस फैमिली में, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से सिर्फ एक माइक्रोस्पोर बनता है, किस फैमिली में हो गया? साइप्रेसी फैमिली में, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा कि माइक्रोस्पोरोजेंसिस क्या है, ठीक है। अब माइक्रोस्पोर जो बना, ठीक है ना, माइक्रोस्पोर को आगे चलकर हम पालन ग्रेन कहते हैं। कब पालन ग्रेन कहते हैं? आप जानते हैं कि जो माइक्रोस्पोर है, ठीक है, इसके बाहर स्पोरोपोलिनिन का डिपोजिशन होगा। किसका डिपोजिशन होगा? स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ का, सबस्टेंस का डिपोजिशन होगा, ठीक है, जो आगे चलकर किसका निर्माण करेगा? एग्जाइन का। एग्जाइन आउटर लेयर होगा किसका? पॉलिन ग्रेन का। एग्जाइन किससे बना होगा? स्पोरोपोलिनिन। और स्पोरोपोलिन आप जानते हैं कि बहुत हार्ड सबस्टेंस होता है, जल्दी वो नष्ट नहीं होता है। और स्पोरोपोलिन का सिक्रीशन किसके द्वारा होगा? टैपिटम के द्वारा। किसके द्वारा होगा? टैपिटम। टैपिटम में किसके द्वारा? यूबिस बॉडी के द्वारा, यूबिस बॉडी के द्वारा। ये पहले भी बता चुके हैं, यूबिस बॉडी कहां पा जाएगी? टैपिटम में, ठीक है। तो टैपिटम के यूबिस बॉडी, टेप्टम में क्या पा जाएगा? यूबिस बॉडी। टेप्टम क्या है? टेप्टम जो होता है एंथर की वाल होती है, टेप्टम के यूबिस बॉडी द्वारा, ठीक है ना, सिक्रेट होगा स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन बनाएगा एग्जाइन लेयर, ठीक है। जब एग्जाइन लेयर और एंटाइन लेयर का निर्माण हो जाता है, तब इसी माइक्रोस्पोर को हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। तब क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। तब इसको क्या कहेंगे? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जो होता है, ठीक है, पॉलन ग्रेन की स्टडी को क्या कहते हैं? पेलिनोलॉजी, ठीक है। पॉलन ग्रेन जो होता है, ठीक है ना, इसको अगर देखें, ठीक है, तो इसका अरेंजमेंट जो होता है वो पांच प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? पांच प्रकार का, ठीक है। देखिए किस तरह है, यहां देख लेते हैं। कभी कभी देखा गया पॉलन ग्रेन का अरेंजमेंट इस टाइप होगा, जिसको कहते हैं टेट्राहेड्रल,
कभी कभी माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन का अरेंजमेंट होगा इस तरह, इसको कहते हैं आइसोबाइलेट्रल। कभी कभी देखा जाता है पॉलन ग्रेन का अरेंजमेंट इस तरह होगा। इसको कहेंगे डीका सेट। और कभी कभी पॉलन ग्रेन का अरेंजमेंट होगा इस टाइप। इसको क्या कहेंगे टी सेप। देखिए ये टी सेप में है और कभी कभी पॉलीग्रेन का अरेंजमेंट इस तरह होता है एक लीनियर फॉर्म में। ठीक है, तो पॉलीग्रेन का अरेंजमेंट पांच प्रकार का हो गया, टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेट्रल, डीका सेट, टी सेप और लीनियर। ठीक है, ये पांचों प्रकार का जो अरेंजमेंट है। एक प्लांट है एरिस्टोलाकिया। कौन सा प्लांट है? एरिस्टोलाकिया। इसमें ये पांचों प्रकार का अरेंजमेंट पाया जाता है। इन पांचों प्रकार का अरेंजमेंट किसमें पाया जाएगा? एरिस्टोलाकिया में। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो नीट में या टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है कि टेट्राहेड्रल टाइप अरेंजमेंट किसमें पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें पाया जाता है? डाइकॉट प्लांट में। और आइसोबाइलेट्रल टाइप अरेंजमेंट जो पाया जाएगा वो किसमें पाया जाएगा? मोनोकॉट प्लांट में। ठीक है, किसमें पाया जाएगा? मोनोकॉट प्लांट में। तो इस तरह हम देखें कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। ठीक है, उसमें क्या बन रहा? माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर को पॉलन ग्रेन कब कहेंगे? जब इसके बाहर स्पोरोपॉलिन का निर्माण होगा। स्पोरोपॉलिन का निर्माण जब होगा तो इस बाहर की लेयर को क्या कहेंगे? एग्जाइम। ठीक है, अंदर वाली लेयर को क्या कहेंगे? इंटाइम। एग्जाइन स्पोरोपॉलिन का बना होगा और जो इंटाइन लेयर होगा वो पेक्टोसेलुलोज का बना होगा। किसका बना होगा? पेक्टोसेलुलोज का बना होगा। ठीक है, स्पोरोपॉलिन का सिक्रीशन किसके द्वारा होगा? यूबिस बॉडी। यूबिस बॉडी कहां पाया जाएगा? टेक्टम में। ठीक है, और इस तरह हम देखें कि जो पॉलन ग्रेन बन गए उनके अरेंजमेंट किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया। अब हम अगला पढ़ते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के बारे में। अब देखते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस क्या होता है? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें क्या होगा? मेल गैमेट का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? मेल गैमेट का। मेल गैमेट का निर्माण कहां होगा? पॉलन ग्रेन के अंदर। तो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस वह प्रोसेस है, इसमें मेल गैमेट का निर्माण होता है। और मेल गैमेट कहां बनेंगे? पॉलन ग्रेन। जनरली कितने मेल गैमेट बनते हैं? दो मेल गैमेट बनते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है। किसी भी पॉलन ग्रेन को देखें, तो अभी आप पढ़े हैं, सबसे बाहर क्या होगा? एग्जाइम। और अंदर वाली लेयर जो होगी वो होगी क्या? इंटाइन। जो पेक्टोसेलुलोज की बनी होगी, किसकी बनी होगी? स्पोरोपॉलिन। और जहां पे यहां पे स्पोरोपॉलिन की लेयर नहीं पाई जा रही है, ये क्या होगा? जर्म पोर। जर्म पोर। और जर्म पोर वह रीजन होता है जहां से पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? पॉलन ट्यूब का। और पॉलन ट्यूब का निर्माण कौन करेगा? इंटाइन लेयर। तो इस तरह हम देखते हैं इंटाइन लेयर पॉलन ट्यूब का निर्माण करेगा, तो कह सकते हैं कि पॉलन ट्यूब भी पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। अब क्या होगा? जो मेल गैमेट होता है, ठीक है, या जो पॉलन ग्रेन है, मेल गैमेट का बनना क्या कहलाएगा? दो मेल गैमेट जो बनना है वो क्या कहलाएगा? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। होता क्या है? पॉलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमेटोफाइट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेटोफाइट। क्वेश्चन कभी कोई पूछ लिया गया है कि मेल गैमेटोफाइट किसे कहते हैं? किसको कहेंगे? पॉलन ग्रेन को। ठीक है, अब क्या होगा? इसके साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा और डिवीजन होकर दो सेल बनेगी।
कितनी सेल बनेगी? दो सेल बनेगी। एक स्मॉलर सेल होगी और एक लार्जर सेल होगी। जो स्मॉलर सेल होगी, ठीक है, उसे हम कहेंगे जनरेटिव सेल। और जो लार्जर सेल होगी उसे कहेंगे ट्यूब सेल, या इसका दूसरा नाम क्या है? वेजिटेटिव सेल। ठीक है, तो ये पॉलीएंगेरिया कितने सेल का बन गया? दो सेल का, ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल, और छोटी वाली सेल जो होती है जनरेटिव सेल। क्वेश्चन कभी कभी पूछाता है जनरेटिव सेल कहां पाई जाती है, तो सेल वॉल के पास पाई जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो जनरली स्पेंडल शेप होता है। न्यूक्लियस का क्या होगा? स्पेंडल शेप। और ये स्टेज जो पॉलीएंगेरिया के बनी वो क्या कहलाएगी? टू सेल्ड स्टेज। ज्यादातर प्लांट में देखे हैं, देखा जाता है कि पॉलिनेशन जो होता है वो टू सेल्ड स्टेज पे होता है। ठीक है, ज्यादातर प्लांट में पॉलिनेशन कितने सेल्ड स्टेज पे होगा? दो सेल्ड स्टेज पे होगा, जिसमें एक होगा ट्यूब सेल जनरेटिव सेल और दूसरा क्या होगा? ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल। ठीक है, आगे चलकर ये जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर जाता है। क्या करेगा? डिवाइड कर जाएगा। ये पॉलिन ट्यूब बन गया, और यहां पे आ जाएगा ये ट्यूब न्यूक्लियस। और सबसे पहले क्या जाएगा? ट्यूब न्यूक्लियस आएगा, और उसके बाद जो ये जनरेटिव सेल्स था ये डिवाइड करके दो मेल गैमेट का निर्माण कर लेगा। क्या बना लेगा? टू मेल गैमेट। ठीक है ना, तो कह सकते हैं कि जो क्या होता है फिर आगे, ट्यूब सेल है, जनरेटिव सेल है। ठीक, कुछ प्लांट में पॉलिनेशन थ्री सेल स्टेज पे होगा। थ्री सेल स्टेज मतलब क्या हुआ कि उसमें एक ट्यूब न्यूक्लियस होगा और दो मेल गैमेट होंगे। ठीक है ना, इस प्रकार ये कितने सेल्ड स्टेज पॉलिनेशन होगा? थ्री सेल्ड स्टेज। तो थ्री सेल्ड स्टेज में क्या होगा? दो मेल गैमेट होंगे, एक ट्यूब न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो इस तरह दो मेल गैमेट बन रहे हैं, और मेल गैमेट का बनना ही क्या कहलाएगा? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। कहां हो रहा है? ये पॉलीएंगेरिया के अंदर। ठीक है, तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि माइक्रोगैमेटोजेनेसिस क्या है और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।